अभिनव शुक्ला बिग बॉस 14 में हम सभी को नजर आए थे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी रुबीना के साथ एंट्री ली थी। उनके घर के अंदर काफ़ी झगड़े हुए, उन्हें लेकर काफ़ी कुछ कहा भी गया, लेकिन बिग बॉस से निकलने के बाद अब अभिनव शुक्ला फिर एक बार सुर्खियों में हैं, क्योंकि अभिनव शुक्ला के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसको सुनने के बाद आप भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। दरअसल अभिनव शुक्ला के कज़न को पठानकोट में काफ़ी बुरी तरीके से मारा गया और मारने के बाद नग्न अवस्था में मरने के लिए छोड़ दिया गया, जिसके बाद से ही अभिनव शुक्ला के रिश्तेदार और उनके फैमिली मेंबर इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए पिछले एक महीने से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले इसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं दर्ज कर रहे हैं। और इसी के वजह से अभिनव शुक्ला आज काफ़ी ज़्यादा भड़क गए और उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पंजाब पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। अभिनव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उनके कज़िन को नग्न अवस्था में मरने के लिए छोड़ दिया गया था, वो 30 दिन से ICU में हैं, अब उन्हें लकवा हो गया है, हम पुलिस से FIR दर्ज करने की भीख मांग रहे हैं। अभिनव के ट्वीट पर पंजाब पुलिस ने अपना जवाब लिखते हुए कहा कि सर, आपकी शिकायत के बाद संबंधित मामला गुरदासपुर पुलिस स्टेशन रेफर कर दिया गया है, ताकि तत्काल जरूरी कदम उठाए जा सके, इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। वहीं जिस तरह एक के बाद एक पंजाब पुलिस की हरकतें सामने आ रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पंजाब पुलिस अब कुछ भी नहीं करना चाहती है। इसी के साथ मैं रजत लेता हूं आपसे इजाज़त, और जाते जाते आपसे बस इतना ही कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारा सपोर्ट करें।